तो हाय एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स चार्ट मास्टर ग्रुप। तो हमेशा की तरह निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे और डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे इसको, 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या हालत है निफ्टी का, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप यूट्यूब में देख रहे हैं, सभी बोल रहे हैं मार्केट में बहुत बड़ा क्रास हो गया, तो डेफिनेटली क्रास हुआ है। तो कल भी 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट का गिरावट देखने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी में जो भी डाउनफॉल यहाँ पे हुए, इसके कुछ बड़ा रीज़न भी नहीं है, मतलब मार्केट में ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके वजह से निफ्टी में फॉल हो सकता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताया था, निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था, ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको ऑलरेडी बताया था, इसको मैं दोबारा रिपीट करना नहीं चाहूँगा, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो यहाँ पर हुआ था निफ्टी में, इसके वजह से निफ्टी में जो करेक्शन हुआ है, तो दिस इज ए ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल अभी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये होने के बाद मार्केट में उसी रेंज का मूवमेंट मार्केट में हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो हाइट यहाँ पे है, ये वाला हाइट आपको दिखा देता हूँ फिर से। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो कल के लिए आपका ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रेंज का मूवमेंट, ये जो नेकलाइन से जैसे मूवमेंट होना था, ब्रेकआउट हुआ, तो उसी रेंज का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है, आप देख सकते हैं ये वाला मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है। तो ये एक तय है कि यहाँ तक आने वाला था। तो इसी रेंज में मार्केट, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट था निफ्टी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, 15,700 के करीब। तो यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से अच्छा खासा पुल बैक आपको देखने को मिला है। तो हो सकता है कि कल मार्केट में उसी पॉइंट से एक बहुत ही अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो ये ऐसा नहीं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, जब तक निफ्टी 15,800 के ऊपर हो, तो मार्केट में बहुत ही बड़ा फिर से पुल बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसी पॉइंट से आपको मार्केट में एक बड़ा रैली देखने को मिला था, लगभग 18,000 के प्लस जो मूवमेंट हुआ है, मतलब इस टाइप का 15,700 से मूवमेंट जो हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लगभग 18,000, मतलब 3,000 पॉइंट का बड़ा मूवमेंट हुआ है, 2,500 पॉइंट का, ठीक है। तो ये इतना छोटा सपोर्ट नहीं है, छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप देखेंगे बहुत ही बड़ा अच्छा सा सपोर्ट है, स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, हालाँकि थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है। अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा गिरावट फिर से देखने को मिल सकता है, लगभग मार्केट 14,000 के करीब भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल का सेशन में मार्केट में बड़ा गिरावट होगा। तो अगर आप देखेंगे अभी वर्ल्ड क्यू का सिचुएशन जो है, तो वर्ल्ड क्यू अभी डाउजन थोड़ा नीचे खुला था, 300 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था, नैसडैक भी 100 पॉइंट नीचे ओपन हुआ था। तो रीज़न क्या था कि रेट हाइक, तो रेट हाइक सबको पता है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ये एक पैनिक चीज़ होता है, थोड़ा सा इसका असर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अगर प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वी हैव टू बाय द प्रोडक्ट्स। तो रेट बढ़ेगा घटेगा इसमें, इससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो डेफिनेटली आपको खरीदोगे, हालांकि थोड़ा इन्फ्लेशन का असर पड़ता है, थोड़ा प्राइस अगर बढ़ जाएगा थोड़ा कंजम्पशन में कमी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट को ये वाला क्रास कर देगा, ये सब नॉन रीजन है, ठीक है। सभी रीजन सबको पता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, रूसिया यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है 3 महीने से, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, ये सब नॉन फैक्ट है। तो इसमें कुछ ऐसा अननोन फैक्ट नहीं है जिसके वजह से मार्केट में जैसे कोरोना के टाइम में फॉल हुआ था, इस टाइप का फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल होने का चांसेस थोड़ा कम है। तो जब तक 15,800 के ऊपर है मार्केट, तो आप वहाँ पे बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हमारा ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी सी का कॉल दिया था, और सी में हालांकि स्टॉप लॉस हिट हुआ 1000 पॉइंट का, तो फिर भी मैं यहाँ पे सी को भी होल्ड करके रखा हूँ, 2 सी कॉल में होल्ड करके रखा हूँ, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेजा था, ठीक है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मार्केट डेफिनेटली थोड़ा ऊपर खुलेगा कल, और 100-200 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए मैं बोला था कि 16,000 सी जो है ये वाला नेक्स्ट वीक को डबल हो सकता है, होने का चांसेस है। हालांकि स्टॉक मार्केट में कोई ऐसे श्योर शॉट नहीं बोल सकता, फिर भी मेरा टेक्निकल के हिसाब से मार्केट में ये वाला जो कॉल है ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो इसको अभी हम 15 मिनट का चार्ट में समझ लेंगे। तो 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखेंगे, हम आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट का चार्ट में निफ्टी में क्या हुआ था आज,
हालांकि अगर आप देखेंगे मैं पी का भी एक कॉल दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे मार्केट में यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला ये पॉइंट से, ठीक है, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस था सपोर्ट था, इसका नीचे मार्केट ओपन हुआ तो इसी पॉइंट में मैं 16,000 पी का कॉल दिया था, आप लोगों को पहले से बता दिया था। अगर मार्केट 16,000 का नीचे क्लोजिंग देता है, 15,980 का नीचे क्लोजिंग देता है, तो आपको यहाँ पे पी साइड तक जाना है, तो जो पी साइड का बाय किए होंगे उन लोगों का अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा अगर ये टॉप में आप बाय किए, लेकिन मिडिल में जो लोग बाय किए हैं उन लोगों का कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब पी का प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे पी में जो भी बाय किए थे थोड़ा मार्केट नीचे गया फिर से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे अगर पी बाय किए होंगे थोड़ा नीचे गया ऊपर है, तो इस तरह क्या हुआ होगा आपका एसएल भी यहाँ पे हीट हुआ होगा, डेफिनेटली एसएल हीट होगा, क्योंकि मेरा भी आज पी में भी 30-40 पॉइंट का एसएल हीट हुआ था और सी में भी हीट हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे हीट होने वाला था मैं यहाँ पे लेकिन सी को होल्ड किया हूँ, ठीक है, सी का मैं कुछ स्टॉप लॉस नहीं ले गया था क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अगले वीक डेफिनेटली 300-400 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। तो कल के लिए आपका ट्रेड सेटअप क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, तो अगर मार्केट ये जो रेंज आप देख सकते हैं, तो ये जो 15,878 और 15,900 अगर हाईएस्ट आप देखेंगे 900 का रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे सी को बाइंग के लिए जाना है, सी साइड के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे जो बड़ा क्लीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है डेफिनेटली ये जो गैप है ये फिल होगा, मतलब मार्केट 16,000 के तरफ जा सकता है, अगर ये 16,000 को ब्रेक कर लेगा तो फिर से मार्केट में यहाँ पे और भी बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 16,200 इसके बाद 16,400, तो बहुत सारा गैप मार्केट में है जो आगे जाके फिलअप होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट में ऑफसाइड मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ये सब ऑफसाइड मूवमेंट अभी तक पेंडिंग है, तो ये जो स्टेप वाइज मूवमेंट है आपको आगे जाके डेफिनेटली मार्केट 16,600 तक विद इन 15 डेज मूवमेंट कर सकता है अगर 15,800 को होल्ड कर लेगा। तो कल के लिए डेफिनेटली आपका जो ट्रेड सेटअप रहेगा, देखिए ये जो 15,900 का लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग के लिए जाना है फॉर ए टारगेट ऑफ 16,023, ये वाला आपका फास्ट टारगेट रहेगा, तो यहाँ से अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी आप पी बाय कर सकते हैं ऊपर के लेवल में, ठीक है, तो स्टार्टिंग से आप पी बाय मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है बहुत ही स्ट्रांग सप्लाई जोन सॉरी डिमांड जोन पे मार्केट अभी है, जिसके वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, तो पी कहाँ जाना है आपको, देखिए पी में कब ट्रेड करना है, टॉप में ट्रेड करना है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में पी को आपको बाइंग करना है और लोअर में आपको सी को बाय करना है, ठीक है ना, तो डीप में सी बाय कीजिए और टॉप में पी को बाय कीजिए, तो इस टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए। तो कल के लिए अगर कुछ अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो डेफिनेटली विल प्रोवाइड यू दैट कल, मार्केट का ओपन होने के पहले से ही हम दे देते हैं कि किस पे आपको ट्रेड करना है। तो इसके साथ साथ अगर अब आप हमारा जो ब्रॉडकास्ट में नहीं जुड़े तो डेफिनेटली अभी मैं मेरा ब्रॉडकास्ट का नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करके हमारे ब्रॉडकास्ट में भी जुड़ सकते हैं, तो इसमें आपको और भी श्योर शॉट कॉल मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।